जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाय मलक जिकनी सुनी दा मोह दे खाले आए जिंद निमानी कडिय हड्डा खू कड़काए साहे लिखे न चलनी जिंदू को समझाए जिंद वोटी मरण वर ले जासी परनाए आपन हथी जोल के कैगल लग गया थाए वालों की परसलात कन्नी ना सुन आए बाबा फरीद जी इस अपने ही उच्चारण की ते सलोक अनुसार कि जीव जिस दिन इस दुनिया ते आंदे हैं उस दे जन्मदिन दी तारीख दे नाल ही मरण दे वक्त दी तारीख लिखी जाती है जिमें कि एक विह का समा नियत किया जाता है तो साया चुनिया जाता है तो पूरे वक्त लाड़ा वोटी नू ले आ जाता है इस तरह बाबा फरीद जी का इस दुनिया का सफर मुक गया तो मौत दे फरिश्ते ने आह विखाल दिता जिंद निमाणी नरीरों क्ढन हड्डा तोड़ना पैदा है भावे बाबा फरीद जी ने कि खुदा दी बंदगी की थी पर फिर भी उन्होंने अपनी जिंद समझा दिता कि जेड़ा मौत का सायला लिखिया गया है वह कदे टल नहीं सकता जिंद वोटी मौत दाड़ा दा परना आपने वक्त न आ गया तो फिर बाबा जी ने अपने ही उचारण कित सलोक मुकाब होया ਫਰੀਦ ਦਾ ਦੋ ਦੇਵੀ ਬਲਿੰਦਿਆ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ ਗੜ ਲੀਤਾ ਕਟ ਲੁੱਟਿਆ ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਜਗਦਿਆਂ ਹੀ ਜਮ ਆਣ ਬੈਠਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਅਰਥਾਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਨ ਮੌਰੰਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ नमूनिए करके पाक पत्तन विच होया उस वक्त आप जी दी उम्र तिरानवे साल दी सी जिथे आप जी दा डेरा सी उ ही आप जी दफनाया गया बाबा फरीद जी का मक़बरा निजामुद्दीन ओलिया ने बनवाया आप जी दे सौ एक करामाती नाम सन पाक पत्तन ही जेड़ा हुन पाकिस्तान विच आ गया है आप जी दे जा नशीना दी गद्दी गलती आ रही है इतने हर साल पिछु मोरम ते कुरान शरीफ का सारा कलाम पढ़ के बाबा फरीद जी ने शरदांजली भेट कीती जाती है ते बहुत व्डा धार्मिक मेला लगता है बाबा फरीद जी दे देों दे जा नशीना दी गद्दी पाक पाकपत्तन पाकिस्तान चलती आ रही है जो लड़ीवार इस तरह है बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज, दीवान बदरुद्दीन सुलेमान शेख अलौदी, दीवान पीर नदीश ख्वाजा पीरो फजल ख्वाजा मनवर शाह पीर बहुद्दीन, शेख अहमद शाह दीवान अतौला ख्वाजा शेख मोहम्मद शेख ताजुद्दीन ख्वाजा शेख ब्रह्म इब्राहिम बारवे जानशीन शेख ब्रह्म इब्राहिम श्री गुरु नानक देव जी की मुलाकात पाकपत्तन हुई